साथ ही देवियों सज्जनों हम इस अवसर पर यहाँ पधारे माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी का, माननीय केंद्रीय शहरी विकास आवास शहरी गरीबी उपशमन तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी का, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, केंद्रीय योजना स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी का, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल जी का, मंचासीन सभी विभूतियों का और वरिष्ठ अधिकारियों का हम यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं इस अवसर पर। जबकि बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लाइन का उद्घाटन कार्यक्रम और गति प्रगति रैली में यहाँ प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में पधारे हैं। हरियाणा प्रदेश और विशेष तौर पर फरीदाबाद वासियों को उनके करकमलों से आज जो अनुपम उपहार मिल रहा है उससे हम सभी अनुभूत हैं। एक और हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज अभिभूत है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उस घोषणा से जो वन रैंक वन पेंशन स्वीकार की गई है, प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर उनके लाल किले से किए गए वादे के अनुरूप आज सभी सैन्य समुदाय के लोग इस बात से अभिभूत है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं इस अवसर पर निश्चित रूप से। और सब हमारे परिवारों के सदस्य जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की हिफाजत के लिए सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, हम जानते हैं कि हम 1965 के युद्ध के 50वें वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से ये जो घोषणा है उन सब के लिए बहुत हर्ष की बात है। और इस अवसर पर हमारे तीनों सेना के तीनों अंगों के सैन्य अधिकारी और कर्मी सभी यहाँ पर हमारे, जिसमें सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर हवलदार तक मौजूद हैं, ये सभी ब्रिगेडियर मिश्रा, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मेजर जनरल पीएन अवस्थी, ब्रिगेडियर वीके आनंद, कर्नल विनोद कुमार गौड़, कर्नल ऋषभ ऋषपाल सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस सिरोही, कर्नल केपी